जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारे डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स में वीडियो तो आ रहा है लेकिन दोस्तों ऑडियो नहीं आ रहा है। आज हम इसको कैसे आसान तरीके से बिना खर्च किए हुए हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे ये डीडी फ्री डिश का रिमोट है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम पूरा फुल है। अभी हमारा ये टीवी का रिमोट है, टीवी का रिमोट में भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये अभी 40% वॉल्यूम है, तब भी दोस्तों इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम कैसे आसान तरीके से हमारे जो डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स है इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक टेक्नीशियन हो तो ये सारे बातें दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो टीवी में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, पीछे भी देख सकते हो ऑडियो वीडियो केबल लगा हुआ है। और दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी सीख रहा हूँ। अभी दोस्तों देख सकते हो ये सीआरटी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ था, लेकिन दोस्तों ये फ़िलहाल रिपेयर हो चुका है। इसमें दोस्तों एक पीटीसी ख़राब था और एक ट्रांजिस्टर ख़राब था, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल ये रिपेयर हो गया है। टीवी एकदम बहुत बढ़िया क्लियर चल रहा है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हो पीछे हमारा ये एवी लीड लगा हुआ है, देख सकते हो हमारा एवी लीड लगा हुआ है, तब भी दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि दोस्तों इसका ऑडियो सेक्शन में कुछ फॉल्ट है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है ये सेटअप बॉक्स में। तो दोस्तों ये वाला कार्ड देख सकते हो, दोस्तों ये वाला कार्ड में क्या होता है, ये ऑडियो के लिए एक अलग से ऑडियो आईसी लगा हुआ होता है, ये वाला देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वाला कार्ड में जो है इसमें कहीं पर भी ऑडियो आईसी लगा हुआ नहीं है। तो हम दोस्तों किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं, दोस्तों अभी दोस्तों ये यहाँ पर कहीं पर भी ऑडियो आईसी नहीं है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट दोस्तों कार्ड को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसे एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो कि दोस्तों ये कार्ड को आप बाईपास करके चला सकते हो, इसको कैसे आसान तरीके से चेक कर सकते हैं और कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं वो सीखने वाले। तो दोस्तों देख सकते हो पीछे जो हमारा ऑडियो वीडियो का लीड लगा हुआ है, अभी दोस्तों हमारा ऑडियो वाला दो लीड निकाल देना है। निकालने के बाद दोस्तों देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ऐसा छूने से आवाज़ आता है, देख सकते हो ये भी दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, ये सामने जो दो रजिस्टर लगा हुआ है देख सकते हो, ये दो रजिस्टर लगा हुआ है, आपको और क्लोज थोड़ा दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये जो दो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से हमको क्या करना है, ये वाला पिन को ऐसे पकड़ के यहाँ ऐसे टच करना है। गुलबाग के जो तमाम दुकानदार हैं क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी? तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारा जो ये वाला जो ऑडियो के लिए जो कनेक्शन रहता है, जो पट्टी लगा हुआ होता है देख सकते हो, ये वाला जो पट्टी है, ये वाला पट्टी मैं पहले से काट दिया हूँ, इसको आपको ऐसे काट देना है। काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का इस साइड में भी सेम टू सेम होता है। तो दोस्तों इसको भी ऐसे नीचे से ब्रेक कर देना है, मतलब ऐसे काट देना है कटर की सहायता से। काटने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक सोल्डरिंग और ऊपर में एक सोल्डरिंग लगा देना है और बाईपास कर देना है। कैसे करना है दोस्तों आपको चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो दो रजिस्टर है, ये छोटा छोटा वाला, यहाँ से इस तरफ हमको बाईपास करना है, इस तरफ हमको बाईपास करना है। तो दोस्तों इसको कैसे पहचान सकते हो, एक तो दोस्तों एक नंबर पिन जो आईसी लगा हुआ होता है, एक नंबर पिन से एक कनेक्शन जाता है और दोस्तों 4 नंबर पिन से एक कनेक्शन जाता है। तो दोस्तों ये लेफ्ट राइट का साउंड का काम करेगा। दोस्तों जब भी आप सोल्डिंग कर रहे हो तो ये बात भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों शॉर्ट सर्किट ना हो दोनों रजिस्टर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो दोस्तों देख सकते हो सोल्डिंग हो चुका है, लेकिन क्या है कि मेरा जो सोल्डिंग आयरन है वो सामने बड़ा बीट है, तो थोड़ा सोल्डिंग करने में दिक्कत हुआ, लेकिन दोस्तों सोल्डिंग हो गया है। अभी इसको टेस्टिंग करके देखते हैं। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते तो हैं कि दोस्तों पूरे देख सकते पार्ट्स हो में साउंड कहां पे बहुत ही बढ़िया कंडीशन क्लियर है आ रहा है, और सामने भी आज देख सकते हो टीवी एनसीएल लगा हुआ है। यहां पर किस और दोस्तों कबाड़ को हटाने के लिए जा रही ऐसे है। मेन उद्देश्य जो इस टाइप का आप एनसीएल का सोल्डिंग है करके वो बाईपास ये है करके कि इस ये पार्ट्स को सर्किट पूरी बोर्ड को तरह से आप खाली कराया बहुत जाए, ही और आसानी से आपको बिना हम इस पैसे वीडियो के खर्च माध्यम से किए दिखा रहे हैं कि किस चला सकते तरीके हो। से लगातार यहां दोस्तों पे उम्मीद तापमान करता हूँ बनाया मेरा जा वीडियो रहा आपको है। पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीटीएस से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।